गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम भाई, यो केम छो, मजा में? आप भी बहुत ही मजा में। और दोस्तों देखो, आज अष्टमी है और नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई है आपको, बहुत शुभकामनाएं। और आज अष्टमी है और भाई आज है ना, आपको जो रावण होते हैं ना, रावण तो रावण दिखाने वाले हैं, जो कि हर घर घर में एक रावण जरूर बैठा होगा। तो चलते हैं, अपनी राम प्यारी तैयार है बिल्कुल। दोस्तों फाइनली राजा पार्क आ चुके हैं और भाई रावण देखा, राजा पार्क आ चुके हैं, दशहरा मैदान जो कि राजस्थान जयपुर के अंदर है। और दशहरा मैदान के अंदर भी भाई बहुत बड़ा रावण जलता है। और यहाँ अभी क्या रावण का काम चल रहा है, रावण बन रहा है तो आपको दिखाते हैं। और पीछे में मेला लग रहा है और यहाँ पे भी देखो मेले की तैयारी होने लग गई है। जो झूले वगैरह होते हैं वो आ चुके हैं और यहाँ पर बन रहा है रावण और मेघनाथ, तो आपको दिखाते हैं। और दोस्तों जो रावण और मेघनाथ है ना, बहुत बड़े साइज के बनते हैं भाई। ये दशहरा मैदान है पूरा राजा पार्क के अंदर और ये हमारे गार्ड साहब बैठे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए। तो अंकल जी बता रहे हैं ये तो भाई रावण बन रहा है और ये मेघनाथ, जो कि देखो रावण की साइज काफ़ी बड़ी है और मेघनाथ की थोड़ी छोटी है, क्योंकि भाई बाप है ये बेटा है, तो बाप बाप ही होता है, क्यों जी? बाकी आपको दिखाते हैं देखो भाई, देखो आप अंदर से कितनी बड़ी साइज का है और पूरे बांस के अंदर तैयार हो रहा है, बांस से तैयार होता है वैसे। और दोस्तों ये है रावण और ये है मेघनाथ, जो कि अभी बन रहा है और दो तीन दिन के अंदर बन के तैयार हो जाएगा दशहरे मैदान में। और दशहरे के दिन शाम को बिल्कुल कंप्लीट मिलेगा भाई, ताकि राम जी आएंगे और इसके धनुष लगाएंगे और इसका अंत कर देंगे। बुराई का अंत श्री रामचंद्र जी भगवान हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। बाकी देखो आपको और मार्केट में दिखाते हैं, छोटे छोटे रावण जो बना बना के बेच रहे हैं वो भी दिखाते हैं। और ये देखो आप, रावण की साइज काफ़ी बड़ी है और ये मेघनाथ की। हाँ तो अंकल जी, रावण कितने दिन में बन के तैयार हो जाएगा? ये रावण कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, मतलब दशहरे वाले दिन तो पक्का हो ही जाएगा। क्यों जाएगा ये? रात रात कल रात अच्छा, कल रात को जाएगा, परसों खड़ा हो जाएगा ये। अच्छा परसों खड़ा हो जाएगा, तो अंकल जी बता रहे देखो कि भाई कल रात को तैयार हो जाएगा और परसों बिल्कुल कंप्लीट करके खड़ा कर देंगे, ताकि राम जी आएंगे और भाई इसका वध कर देंगे। अंकल जी कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, 3 बजे यात्रा निकलेगी राम मंदिर से, राम मंदिर से यात्रा निकलेगी, कॉलोनी कॉलोनी होते हुए 6 बजे यहाँ पहुँचेगी, जो पूरी शोभा यात्रा निकलती है राम दरबार के साथ में, तो बहुत सुंदर नज़ारा रहता है ना, बहुत सुंदर झांकियाँ निकलेगी, बहुत अच्छी अच्छी झांकियाँ निकलती है। और ये मैदान में अभी देख रहे हो ना आप, सन्नाटा, या भाई पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, क्यों जी? मैदान और मैदान से बाहर तक, तो भाई हम जब भी आते हैं ना, और दोस्तों जब भी दशहरा मैदान में आते हैं ना भाई राउंड देखने के लिए, तो भाई बाइक नहीं लेके आते हम घर से, बाइक है ना घर पे छोड़ के आते हैं, पैदल ही आते हैं, क्योंकि भाई पार्किंग नहीं मिलती कहीं पे भी, दूर दूर तक है ना, पूरे रोड पे गली गलियों तक है ना बाइकों का इतना भयंकर चक्का जाम रहता है, तो भाई बाइक लेके नहीं आते। बाकी मजा बहुत आता है और दशहरे पे है ना जरूर से वीडियो बनाएंगे यहाँ पे जब रावण जलेगा। और बाकी अंकल जी कौन सी जगह सबसे बड़ा रावण बनता है अपने जयपुर में? सबसे बड़ा यही है। कितने फीट का है? 1 से 5 फीट का। और दोस्तों 105 फुट का रावण बन रहा है दशहरा मैदान में। और बाकी जयपुर में काफी रावण बनते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? यही है, तो ये पूछे थे पुलिस से रखा। और दोस्तों देखो जयपुर के अंदर रावण तो काफी जगह चलते हैं, लेकिन जो मान्यता है ना, जो पॉपुलर है, वो दशहरा मैदान है राजा पार्क के अंदर। और भैया क्या कहना चाहते हो आप? सर यहाँ पर बहुत मान्यता है, बाकी तो विद्याधनगर में सबसे बड़ा रावण जड़ा जाता है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा मान्यता यही आती पब्लिक, तो नाम ही दशहरा मैदान रखा है, लाखों की तादाद में पब्लिक आती है, लाखों की तादाद में वास्तव में, और हर साल आते हैं ना भाई, बहुत क्राउड रहता है यहाँ पे, बहुत भयंकर वाला, पैर रखने की जगह नहीं मिलती यहाँ पर। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं भाई, काफी है ना छोटे मार्केट के अंदर छोटे छोटे रावण बना बना के बेच रहे हैं, तो वो भी दिखाते हैं आपको। और दोस्तों देखो यहाँ राजा पार्क के अंदर जो छोटे छोटे और बड़े काफी रावण जो बेचते हैं भैया, बनाते भी हैं। हाँ जी भैया, ये जो रावण बना रहे हो आप,
ये कितने का है? 7,000 का। तो इसमें बार्गेनिंग भी करते हैं या डायरेक्ट ये फिक्स रेट है? फिक्स रेट है क्या 7,000 का? ऊपर नीचे हो सकता है। और दोस्तों जो बड़ा सारा राउंड है ना भाई, 7,000 का है लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत। बाकी बहुत ही गजब का बनाया भाई राउंड। भैया देखो बता रहे हैं राउंड अलग अलग साइज के। ये तो अभी कम्प्लीट नहीं है ना? हाँ, तो ये वाला कितने का? ये 500 रुपए के हैं सभी। 600 वाला है ये, 600 वाला है ये, ताकि बड़ी साइज का बनेगा ये। हाँ। और मजबूत भी होगा इनसे। हाँ। ये कितने का भैया? ये 300 रुपए का रावण है। हाँ। दोस्तों सबसे छोटा रावण है ये 300 रुपए का। बाकी बहुत ही गजब का बनाया है यार, मूछे ऊंचे सब शानदार बनाया, मुकुट उकुट एक नंबर लग रहा है। और ये बड़ा वाला रावण है देखो आप। क्या नाम है भैया आपका? विपुल। अच्छा आपका नाम विपुल, आपका नाम महेश। बड़ा गजब का काम करते हो यार आप लोग। ये आएगा VSB फिल्म्स बंजारा के नाम से। ये देखो आप, ये रावण का सिर। और भाई वो छोटा वाला रावण देख के तो ना भाई मजा आ गया यार। 300 रुपए में है छोटा रावण। भाई कारीगरी अच्छी थी उस पे यार, मेहनत वाले बंदे यार मेहनत करते हैं। बाकी आपको आगे भी शॉप है मतलब इस तरीके की रावणों की, तो वो दिखाते हैं आपको फटाफट। और पिछली बार अपन ने रावण पूछा था ना भाई, भाई 100 रुपए का, 50 रुपए के, ऐसे ऐसे बहुत, मतलब वो छोटे से ही रहते हैं 150 वाले तो। बाकी 300 रुपए का ठीक ठाक साइज का था। और दिखाते हैं आपको रावण देखो, और इधर पे खड़ी अपनी राम प्यारी। और देखो ये भैया लोग भी है ना रावण बना रहे। और रावण देखो भाई सब शानदार शानदार रावण है। ये कितने का रावण है? 1,000 रुपए का। कौन सा वाला? ये बड़ा वाला 1,000 रुपए का रावण है। और ये छोटा वाला? ये 600 रुपए का। तो सबसे कम रेट का कौन सा आपके पास? अच्छा, और छोटा साइज का मिलेगा। और देखो सबसे कम रेट का रावण इनके पास मिलेगा, काफी छोटे छोटे रावण है। हाँ जी अंकल, कितनी कितनी प्राइस के रावण है आपके पास, किस किस रेट के हैं? 500 लेके 700-800। अच्छा, और 2500-3000। 2500-3000 तक के। तो 2500-3000 वाले तो ये वाले होंगे, ये वाले 2500-3000 के रावण है जो कि काफी बढ़िया है। और वो बिल्कुल पीछे जो रखा हुआ है छोटा, वो 700 रुपए का है। अच्छा जी, नहीं बहुत ही बढ़िया। और ये राजा पार्क के अंदर है दोस्तों, आप लेने आ सकते हो यहाँ से रावण। बाकी मार्केट जयपुर में काफी जगह रावण मिलते हैं, रावण मार्केट भी है न्यू आतिश मार्केट के, वहाँ भी काफी रावण मिलते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव कुछ नॉलेज पर्पस से लगी है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो ठीक है भाई, राम राम। और भी अगर मार्केट में कहीं राउंड दिखेंगे तो आपको इसी वीडियो में जरूर से दिखाएंगे।